या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 54। वेंसडे 9th ऑफ अगस्त ईयर 2000, माय वाइज इन बिंगहैम्पटन, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क स्टेट। गंगर, आपकी इस छोटी सी जमात में आया हूँ। मुझे खुशी हुई कि मजहब के जो तरीके हैं वो यहाँ जारी हैं और जमात खाना भी है, डेली जमात खाना यहाँ, माशाल्लाह। मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, واقم الصلاة طرف النهار زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولا نحضر امام پہ صلوات پڑھو دین دارا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ دن کے دو کناروں پہ یعنی صبح اور شام और एक पहर रात चली जाए यानी 3 घंटे चले जाए यानी कि ईशा की नमाज, तुम इसको कायम करो और ज़कात दो। खरे खर नेकियों से बदियां बर्बाद होती हैं। जो खुदा ताला के जिक्र करने वाले हैं, खुदा को याद करने वाले हैं, उनके लिए ये मैं फरमान करता हूं। एक चीज तो यह है कि अल्लाह ने फरमाया दिन के दो किनारों पे सुबह और शाम, और रात जब डीप हो जाए तो उस वक्त बंदगी करो, नमाज पढ़ो, सलात पढ़ो। आज 1400 साल से आम जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने 5 नमाजों का जो तरीका दिया है, कुरान शरीफ के अंदर 5 नमाजों का कहीं भी हुक्म नहीं, लेकिन नबी करीम ने इसको जारी किया। और जारी करने की वजह यह थी कि इस्लाम को खुदा ताला के हुक्म से अरबों के अंदर फैलाया गया, और अरब लोग जो थे वो बिल्कुल जाहिल थे। उस जमाने की हिस्ट्री पढ़ने से मालूम होता है कि वो जो वक्त था 1400 साल पहले रसूलुल्लाह का जो जमाना था, वो आगे पीछे तकरीबन 1000 साल पहले, 1000 साल बाद में, 2000 साल के अंदर इससे ज्यादा डार्केस्ट पीरियड कभी नहीं हुआ। हिस्टोरियंस ने नबी के इस पीरियड को खसूसी तौर पे अरबों के अंदर डार्केस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लिखा है। और हम किताबों में ये पढ़ सकते हैं कि क्यों इसको डार्केस्ट पीरियड कहा गया। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोगों ने शायद वाजो या किसी और तरीके से सुना होगा कि अगर लड़की पैदा होती थी तो जिंदा उसको दफन कर देते थे, इसलिए कि कोई दामाद बनाना न पड़े। तहजीब और कल्चर जैसी कोई चीज नहीं थी। हाल यह था कि अगर गाय और बकरियां वगैरह चराने वाला कोई एक लड़का अपने बाप की इस मिल्कत को ग्रेजिंग के लिए ले गया है और उसे भूख लगी है, तो चलते हुए बैल को छुरी मार के एक पहलू में से किलो जितना गोश्त निकाल लेवे और उसको सेक के कच्चा पका खा लेवे, और उसको इस बात का कोई ख्याल नहीं कि एक थोड़े से गोश्त के लोथड़े में ये बैल तड़प रहा है। मैं आपको ये दो चीजें बयान करके ये कहना चाहता हूं कि वो जो पीरियड था हकीकत के अंदर बहुत ही डार्केस्ट पीरियड था। एक एक आदमी की 600-600 बीवियां होती थी, एक दो चार की बात नहीं करता।
तो ऐसे जमाने के अंदर नबी करीम जब आए तो आपने खुदा एक है, मैं उसका पैगंबर हूं, इस चीज को मनाने के लिए बड़े दुख उठाए। हुजूर ने लगभग 13 बरस मक्का में निकाले और उनके जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वही सबसे ज्यादा दुश्मनी कर रहे थे उनकी। और आखिर जब देखा कि मक्का के अंदर कामयाब होना मुश्किल है, तो हुजूर खुदा के हुक्म से मक्का छोड़ के मदीना चले आए, और ये हिजरत थी कि जिसके ऊपर से हिजरी सन चालू हुआ। इस वक्त 1421 सन है हिजरत का, लेकिन ये हिजरत का सन मौला मुर्तजा अली के कहने से हजरत उमर की खलीफा सेकंड के जमाने के अंदर शुरू किया गया, उसके पहले नहीं था। नबी ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इंसानी इबादत में शामिल हो जाएं, और इसलिए आपने बात बात के ऊपर उन लोगों को नमाज पढ़ने की तलकीन की। किताबों के अंदर इस तरह से लिखा है कि हुजूर बैठे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, और आसमान के ऊपर गड़गड़ाहट हो गई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तो हुजूर फौरन खड़े हो जाते थे और एक रकात नमाज पढ़ते थे। रकात क्या है? खड़े होकर सूरतुल हम्द पढ़ना, और फिर रुकू में यानी घुटनों को हाथ लगा के रुकू करना, और सीधे होके दो सजदे करने, ये एक रकात है। नबी करीम बैठे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, और अगर जलजला आ गया तो हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे एक या दो रकात। तो आपकी ये आदत थी कि दिन भर छोटी छोटी बात के ऊपर भी हुजूर खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे। ये एक तरीका था शुक्रगुजारी का, लेकिन मुसलमानों ने इसको इस तरह से ले लिया, और खास तौर पे ये जो तीन खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान तीसरे थे और दूसरे हजरत उमर थे, इनके जमाने के अंदर शरीयत में बहुत से फर्क हुए। लेकिन कुरान शरीफ की जो तालीम थी वो भुलाई गई। जकात कि जो आदमी खुदा ताला के हुक्म से खुम्स में से निकालते हैं, खुम्स यानी 1/5, 20%, मोमनों के ऊपर खुम्स का निकालना फर्ज है। हम इस्माइली उसमें से उश्र देते हैं 10वां हिस्सा, जकात देते हैं 2.5%, और बाकी जो 7.5% है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी या जो कुछ भी इंसानियत के अंदर गरीब गुरबा है उनको ये दो। हम लोग सिर्फ 8वां हिस्सा 12.5% 10वां दे के ऐसा समझते हैं कि हम छूट गए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ऊपर, हम शिया हैं और तमाम शियों के ऊपर खुम्स लाजिम है। अल्लाह ताला ने जो बहुत सी चीजें कही हैं, पहले कुछ चीजें फरमाई, थोड़े टाइम के बाद बाद चीजों को चेंज किया, और इस तरह से उसके अंदर हुक्म बदले गए। कुरान शरीफ जिस तरह नाजिल हुआ उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को तोड़ दिया गया, आगे की आयतें पीछे कर दी, पीछे की आयतें आगे कर दी, और इस वक्त जो हमारे पास कुरान शरीफ है वो इसी हालत में है। मुर्तजा अली ने कुरान लिखा था, जमा करके हुजूर लेके गए और हजरत उमर को कहा कि ये कुरान इस तरह से मैंने लिखा है कि जिस तरह ये नाजिल हुआ, लेकिन उमर ने इस चीज को कबूल नहीं किया और मुर्तजा अली वो कुरान लेके अपने घर वापस चले आए। उसी वक्त से यानी कि रसूलुल्लाह की वफात के पहले से मुसलमानों में दो फिरके हो चुके थे। एक वो लोग थे कि जो सीरियसली खुदा ताला की इबादत करने वाले थे, और एक वो लोग थे कि जो नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, और लड़ाइयों के अंदर माल गनीमत मिलता था इसके लिए वो इकट्ठे होते थे। मैंने कल या परसों की जगह वाज में जिक्र किया है कि कुछ सीरियस लोग नबी के पास आके पूछने लगे, या नबी आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी, आपने कहा रोजे रखो, हमने रोजे रखे, आपने कहा हज करो, हमने हज किया, आपने कहा जकात दो, हम जकात देते हैं, या नबी क्या इस्लाम इधर खत्म हो जाता है या इसके सिवा और भी कुछ चीज है? तो हुजूर कहने लगे इसके अलावा और भी कुछ है।
अब ये वो लोग थे कि जो सीरियस लोग थे, ये चीजें किताबों के अंदर हैं, मगर मुसलमान लड़ाइयों में पड़ गए, माल गनीमत में पड़ गए, और उसके अंदर इंसान में जो खसलतें पैदा होती हैं ग्रीड की, लालच की, उसके अंदर मुसलमान पड़ गए। अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं किया कि तुम दूसरे मुल्कों के ऊपर जोर से हमले करो और उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, लेकिन बनाए गए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सीरियस मुसलमान थे वो बहुत थोड़े थे। सुलेमान फारसी जैसे, अबू जर गफारी जैसे, ऐसे वो लोग थे कि जो सीरियस थे और नबी ने उनको कहा कि आधी रात को उठो और खुदा को याद करो। ये बैतुल ख्याल था। नमाज रोजा इस्लाम के अंदर आम मुसलमानों के लिए के जो बहुत सीरियस नहीं थे, जो अपनी रूहानी तरक्की को समझते नहीं थे, मौत के बाद के हिसाब किताब और मौत के बाद इंसान की रूहानी हालत क्या होगी, ये चीज उन लोगों को अट्रैक्ट न कर सकी। इसलिए नबी करीम ने शरीयत के उसूल कायम कर दिए। मेरे जो समझदार लोग थे उनको ये बताया गया कि तुम आधी रात को उठ के इबादत किया करो, और इबादत के उसूल तय किए गए, नेक आमाल की तलकीन की गई, दूसरों की खिदमत करने के लिए तलकीन की गई, और जहां तक बन सके तुम रूहानी आदमी बनो और दुनिया के लोभ और लालच के अंदर से अपने दिल को हटा के खुदा की मोहब्बत पैदा करो। हकीकत में ये सूफीज्म था, ये मिस्टिसिज्म था कि खुदा ताला की मोहब्बत पैदा करने वाला एक ऐसा ग्रुप होवे कि जो लोगों से ज्यादा सीरियस और समझदार होना चाहिए। हज़रत इमाम के फरमानों में भी है कि बैतुल ख्याल जो है वो सबके लिए नहीं है। जो सीरियस लोग हैं, बैतुल ख्याल को समझने वाले हैं, संजीदा हैं, और बैतुल ख्याल के अंदर जो हमें तकलीफें आती हैं उसको उठाने के वो लायक हैं, बैतुल ख्याल उन लोगों के लिए है, सबके लिए बैतुल ख्याल नहीं। ये कंडीशन नबी करीम के जमाने में थी और रसूलुल्लाह ही के जमाने के अंदर। ऐसे तकरीबन 40 आदमियों के नाम मिलते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो 40 ही आदमी थे, और भी थे, लेकिन 40 आदमी वो थे कि जो नबी करीम के सुहाबियों में से थे और प्रोमिनेंट थे, सीरियस थे, संजीदा से रूहानी तरीके के लोग थे। इस तरह एक ऐसा ग्रुप पैदा हुआ जो रसूलुल्लाह के जमाने से ही इबादत करने के शौक में था। इसके अंदर वही इशारा है कि सुबह और शाम और रात के अंधेरे के अंदर खुदा ताला की इबादत करो, नमाज पढ़ो। लफ्ज जो नमाज है ये ईरानी लफ्ज है, और अरबी के अंदर सलात कहते हैं। सलात का मतलब है खुदा को याद करना और दुआ मांगना। नबी करीम की वफात के बाद ये लोग मुर्तजा अली के पीछे लगे और मुर्तजा अली की गाइडेंस लेते रहे, और इस तरह से मुर्तजा अली के बाद इमाम हुसैन की गाइडेंस लेते रहे, और ये सिलसिला हमारा इस्माइली तरीका इस तरह से चला। और बाद में इसमें आदमी जुदा भी होते रहे, जैसे कि मूसा काजम को मानने वाले इस नाशरी जुदा हो गए और मुस्ते अली को मानने वाले बोहरे जुदा हो गए। ये सिलसिला हिस्ट्री में चलता रहा, लेकिन हमारे तरीके की जो बुनियाद थी वो बुनियाद थी कि जो रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर थी। खुदा को याद करो, सुबह और शाम याद करो, रात के अंधेरे में याद करो। खुदा कहता है कि तहकीक इन्नल हसनात युज़हब मिन सय्याद, नेकियां बदियों को बर्बाद करती हैं। मतलब इसका यह है कि नेकी करने से गुनाह मुआफ होते हैं, नेकी करने से बदियां चली जाती हैं, नेकी करने से, कोई भी नेक काम करने से उसके बदले में खुदा हमारे गुनाह मुआफ करता है। और ये जो जिक्र है, जाने का जिक्र है लिलज़ाकिरीन, खुदा को याद करने वालों के लिए ये जिक्र है, यानी ये इशारा है कि जो लोग संजीदा नहीं, जो लोग सीरियस नहीं, जो लोग गहराई को समझते नहीं, जो लोग डीप थिंकर्स नहीं, जिनको खुदा ताला के हुजूर पे जाके अकाउंट देना है उसकी परवाह नहीं, जिनको मौत का ख्याल नहीं, जिनको अपनी रूहानियत का ख्याल नहीं, उनके लिए ये फरमान नहीं है। ये फरमान उनके लिए है जो जिक्र करते हैं, इबादत करते हैं, नेकी करते हैं। हमारा ये इस्माइली तरीका बातूनी तरीका है,
और ये बात नहीं तरीका रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। हम इस्माइली भी आज अपने तरीके को भूल चुके हैं। हमारे इस्माइली दुआ पढ़ लेते हैं, जमात खड़े बन सका तो आते हैं, और आज ये नॉर्थ अमेरिका की जो हमारी कंडीशन है इसके अंदर तो हमारी सबसे बड़ी दोस्ती हजरत डॉलर से हो गई, और वो डॉलर हमको इतना अजीज है कि हम जमात खाने आते हैं नहीं आते। आज 45,000-46,000 इस्माइली हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में है, 55,000-56,000 कनाडा में है, 1,00,000 से ऊपर इस्माइली है आज नॉर्थ अमेरिका में। हमारे जमात खानों के अंदर हाजिरियां जैसी होनी चाहिए नहीं होती। ये और बात है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या जॉब करने वाले शाम को नौकरी की वजह से वो नहीं आ सकते, ओके। लेकिन जो लोग इस तरह फंसे हुए नहीं हैं, उनको तो हर रोज जमात खाने आना चाहिए। मैं खुश हुआ कि इस छोटे से गांव में, आपकी छोटी सी जमात में हर रोज जमात खाना होता है, जमात आती है। मुझे पता नहीं है कि रोज आप इतने ही आते हैं कि कम ज्यादा आते हैं, मगर दिन दारू हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम रोज जमात खाने आए। अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाओ। जमात खाने आना क्यों जरूरी है? एक बात तो यह है कि जमात खाना हजरत इमाम का घर है, इमाम का नूर जमात खाने में हर वक्त मौजूद है, दिन को भी रात को भी। हजरत इमाम जब भी फरमान करते हैं तो आपने कभी नोटिस किया, हजरत इमाम ऐसा नहीं कहते व्हेन यू गो टू जमात खाना, ऐसा नहीं बोलते, वो कहते हैं व्हेन यू कम टू जमात खाना। क्योंकि कम टू जमात खाने का मतलब क्या है कि मेरा घर है, जब तुम मेरे घर आते हो तो मैं बहुत खुश होता हूं। व्हेन यू कम टू जमात खाना इट गिव्स मी सो मच प्लेजर एंड हैप्पीनेस, नो अदर थिंग गिव्स मी दैट काइंड ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस। इससे ज्यादा मुझे खुशी और कोई चीज नहीं देती कि तुम मेरे घर पे आते हो। जमात खाना आना इट्स इज इबादत, और हमारे ऊपर फर्ज है कि मौला के घर पे जाके हम उसको सलाम करें, उसका थैंक्स माने, शुक्रिया अदा करें। 3 वक्त की दुआ हमारे ऊपर फर्ज है, 10 वक्त हमारे ऊपर लाजिम है। 10 वक्त इसलिए लाजिम है कि जो खुदा ताला हमको रोजी देता है उस रोजी में से वो खुद कहता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा कर्ज हसना दो। खुदा ताला उधार मांगता है, खुदा को कोई कॉरपोरेशन खोलनी है कि उधार चाहिए उसको, या कोई उसको कोई बिल्डिंग बनानी है उधार चाहिए, लेकिन एक लफ्ज साथ लगाया कर्ज हसना। हसना कहते हैं नेक कर्ज। ये हकीकत में खुदा को हमारे कर्जे की जरूरत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बैंक है या कोई ऐसा फंड के जैसा कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम पैसे रखते हैं तो हम उसका नफा लेते हैं। तो खुदा कहता है मुझे कर्जे हसना दो ताकि मैं तुमको उससे ज्यादा दुगना तिगना 10 गुना बना के तुम्हें वापस करूं। तो 10 गुन जो है वो हमारी रोजी रिजक में से, हमारी ग्रेटफुलनेस जो है, हमारा थैंक्स जो है, हमारी ग्रेटिफिकेशन जो है वो जाहिर होती है कि जिसने हमको रोजी दी है वो कहता है इसमें से 8 डॉलर में से 1 डॉलर मुझे वापस देना। कलरूड़ा हमारे एक बहुत बड़े मिशनरी थे, भगत के नाम से मशहूर थे, भगत कलारूड़ा, दसवंत के बहुत बड़े प्रीचर थे। हमारी उस जमाने के अंदर 1/4 की मजलिस होती थी। एक्चुअली ये 1/4 की मजलिस को एस्टेब्लिश करने वाले भगत कलारूड़ा थे। ये जब ये रिटायर्ड हो गया तो बॉम्बे आके रहते थे। भगत कलारूड़ा क्या करते थे कि हम जो कमाते हैं हमारी बैयत करने के बाद, यानी हमने हज़रत इमाम की बैयत की, एलिजियंस दिया, तो हम जो कुछ भी कमाते हैं वो सब मौला का है। जिस तरह से एक बेटा जो अच्छा बेटा है वो जब पगार तनख्वाह लेके आता है तो या माँ बाप को देता है कि आप इसको रखो, उसमें से फिर माँ बाप थोड़े से पैसे रख के उसको वापस करते हैं। भगत का कहना यह था कि हमने बैत की है, तन मन धन मौला को अर्पण कर दिया, वकफ कर दिया, तो जो कुछ भी अब हमको तनख्वाह मिलती है वो हमारी नहीं है, वो मौला की है। 100 डॉलर मिले हैं तो ये 100 डॉलर मौला के हैं, तो हम जाके 100 डॉलर मौला को देवें तो मौला 100 डॉलर नहीं रखता, उसमें से
$12.5 रख लिखा है, बाकी के कहते हैं अच्छा ये तुम यूज करो। भगत का कहना ऐसा था कि हम हजर इमाम को दसवंध नहीं देते हैं, बल्कि हजर इमाम हमको बाकी के 7 पार्ट्स जो हैं वो हमें बख्शिश के तौर पे देता है। इसमें एक सेंस है, और सेंस है ओबीडियंस की और सबमिशन की। तो जो दसवंध है हमारे लिए बड़ी जरूरी है, दसवंध मौला का हक है, हजर इमाम को दसवंध की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है, मौला फरमाया जो चीज तुम दसवंध देते हो उससे मेरा किचन चलता है, मतलब कि दसवंध में खाता हूं, दसवंध से मौला का किचन चलता है। मिशनरियों की एक दफा मेहमानी थी, हमारे एक मिशनरी ने मौला को सवाल किया, कहते खुदा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से हमारे इमाम हुए हैं आपकी तरह आलमूत में और इजिप्ट में बादशाह थे, लेकिन मौला मुर्तजा अली ने क्यों इतनी गरीबी उठाई? मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया इसलिए कि अली के जमाने के अंदर बहुत थोड़े मुरीद थे और गरीब थे, वो जो दसवंध देते थे वो अली को खाने में पूरी नहीं होती थी और अली गुर्बत की हालत में रहे। मोमनों के पैसे से इमाम खाता है, और ये इसलिए खाता है कि मोमनों को बरकत मिले। मौलाना हसन अली शाह की जमाने की बातें आप मेरी वाजों में अगर वाजें सुनते हैं तो कभी सुनी भी होगी। हसन अली शाह हिंदुस्तान में आए 1842 में, तो जमात की हालत सख्त गरीब थी, हमारे घरों में कोलसे या लकड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि कोयले महंगे थे लकड़ी भी महंगी थी। तो गाय का गोबर, गाय भैंस का गोबर सुखा के हमारी औरतें, हमारी माएं बहनें उसको जला के खाना पकाती थी। हम लोग इतने गरीब थे उस जमाने के अंदर। मौलाना हसन अली शाह घरों घर जाके कहने लगे हमको कुछ खिलाओ, क्योंकि इमाम को खिलाने से हमें रोजी में बरकत होती है। तो गरीबों के घर में क्या था, कोई कच्चे चावल लेके आई, कोई गेहूं लेके आई, किसी ने थोड़ा गुड़ दिया, एक एक दाना चावल का एक दाना मौला मुंह में रखे और उसको चबा लेवे, गेहूं का एक दाना चबा लेवे, कहीं से बाजरा आया तो तभी चुटके भर बाजरा मुंह में खा लिया। ये इमाम हसन अली शाह माँ बाप ने खाया इनके घरों में और उनको बरकतें दी। आज हम लोग जो है ना वो उन बड़ों की औलाद है, काठियावाड़ कच्छ गुजरात वगैरह के अंदर जो वो गरीब थे, आज कच्छी गुजराती जो इधर मालदार बने हुए बैठे हैं, वो हसन अली शाह माँ बाप ने इनके घर में खाया और इनको जो बरकतें थी और चार चार पांच पांच पेड़ी के अंदर वो बरकतें चली आती हैं। हमारी जमात की हालत के 100 वर्ष के अंदर ऐसी बन गई है कि भिखारियों से बादशाह बने हैं, मोटरें बंगले अच्छे कपड़े जेवरात वगैरह बैंक के बैलेंस वगैरह, हमारे यहाँ गरीब हैं थोड़े हैं। और इसमें भी इमाम ने तकरीबन 1 लाख आदमी इधर भेज दिए कनाडा और अमेरिका के अंदर। इन तमाम चीजों के पीछे कुछ सेंस है, इनके पीछे कुछ भेद है, कोई रीजन है, कोई वजह है जो हमें मालूम नहीं। लेकिन आज नॉर्थ अमेरिका की जो जमात है वो सारी दुनिया के अंदर मालदार जमात है। हजर इमाम 83 के अंदर जब भी सिल्वर जुबली का वर्ष पूरा हो गया, दुनिया भर के लीडरों को यानी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट्स थे उनको इकट्ठा किया, माँ बाप ने उनको एक डिनर दिया, फेयरवेल डिनर। और इसके अंदर फिर जब पर्सनल बातें चीतें होती रही तो एक औरत ने मौला के पास अर्ज रखी कि या खुदावंदा आपने बहुत मेहरबानी की, हमको नॉर्थ अमेरिका में कनाडा अमेरिका में बसाया और वहां आपके फजल से हम बहुत सुखी हैं। हजरत इमाम फरमाया मेरी जमात नॉर्थ अमेरिका में बहुत मालदार बनेगी, इस बात को लगभग 83 की बात है ना, तो 17 ईयर्स हुए। बोला फरमाया नॉर्थ अमेरिका की मेरी जमात बहुत मालदार बनेगी, बहुत मालदार बनेगी, लेकिन मुझे डर है मुझे भूल जाएंगे। यानी मौला जानता है कि हम दुनिया में फंस जाएंगे। आज भी मैं घूमता रहता हूँ सारी दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी जमात के अंदर भी आप आते हो,
लेकिन हमारी बड़ी जमातों के अंदर जमात की हाजिरी जैसी होनी चाहिए नहीं है। डॉलर के पीछे पड़ के हम बहुत सी चीजें भूल गए। कई ऐसे लोग हैं जमात खाने नहीं आते लेकिन पैसे भेज देते हैं। किस काम के वो पैसे के जो पर्सनली आके ना मिले? इमाम को हमारे पैसे की कोई जरूरत नहीं। हकीकत तो मोहब्बत के साथ है। हम अपने मौला को कितना प्यार करते हैं, हमें अपनी आखिरत का कितना ख्याल है और हमें अपनी रूहानियत का कितना ख्याल है। इस्माइली मजहब जो है ना वो सूफी तरीका है कि दुनिया के अंदर हम फंस नहीं जावें, दुनिया से ऊंचे रहें। मालदार बनना कोई गुनाह नहीं लेकिन मजहबी आमाल छोड़ के मालदार बनना, ऐसा माल नहीं चाहिए। उससे हमारी रूहानी तरक्की रुक जाती है। इंसान महज खाना पीना खा के अच्छे कपड़े पहन के अच्छे मकान में घूमता रहे और मर जाए, इस्माइली मजहब इस चीज को कबूल नहीं करता। इस्माइली मजहब का कहना यह है कि तुम अपनी आखिरत का ख्याल रखो, मौत के बाद तुम्हारा हाल क्या होगा उसका ख्याल करना, यह इस्माइली मजहब की तलकीन है। जैसे जैसे हम नेकियां करते हैं, इबादत करते हैं, अच्छे बनते हैं, हमारी रूह तरक्की करती जाती है और हमें रूहानी हालात और रूहानी कुव्वतों की समझ आती है। मौत तो है, मौत जरूर है, मौत के बाद क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन मौत के बाद क्या होने वाला है उसकी अगर समझ लेनी है तो बैतुल ख्याल। और बैतुल ख्याल कभी है सुबह 4 बजे, ओहो दुनिया सोई होती है, मदहोश होती है, खराचे मारते हैं, उस वक्त उठ के इबादत करना इजी नहीं है। लेकिन जो आदमी हकीकत में इस्माइली मजहब को जानते हैं और इस्माइली मजहब की सीरियसनेस से वो वाकिफ हैं, वो दुनिया भी में रखते हैं, दीन भी रखते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, इबादत भी करते हैं, रोजगार भी कमाते हैं, दुनिया के दुख भी उठाते हैं, मजहब की तकलीफ भी उठाते हैं। और मजहब की तकलीफ उठाने के अंदर जो बरकतें और खुशियां मिलती हैं रूहानी हालत में, वो उन्हीं को पता है कि जो लोग मजहब की खातिर दुख तकलीफ उठा के मजहब के ऊपर अमल करते हैं। दीनदारों अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख के मैं खुश हुआ। मेरा पैगाम यह था कि हर रोज सुबह और शाम खुदा को याद करो, जमात खाने आओ, इबादत करो, नेक अमाल करो, 10 वक्त बराबर दो और जहां तक बन सका दूसरों का भला करो। और खुम्स की बात करते करते जो मैंने ये कहा कि 7.5% हमारे ऊपर कर्जा है, 10% इमाम के, 2.5% पीर के और बाकी 7.5% जो है वो भी हमारे ऊपर कर्जा है। वो कर्जा इस तरह से है कि अगर कोई हमारा रिश्तेदार गरीब है, तकलीफ है, उसकी मदद करो। अगर आपका कोई दोस्त तकलीफ में है उसकी मदद करो। और अगर कोई भी नहीं है तो दूसरे मुल्कों के अंदर बहुत से इस्माइली गरीब बैठे हैं, उनकी मदद करो। तो हम अपनी आमदनी में से 20% अलग कर डालो, 12.5%, 12.5%, 10 वन के 7.5% चैरिटी में दो, दूसरों की मदद के लिए करो। अज़र इमाम ने उसके लिए बहुत से रास्ते खोले हैं। आगा खान फाउंडेशन के नीचे कितनी सोसाइटियां और इंस्टीट्यूशन हैं जो काम कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, आपको कभी गैर कौम का आदमी, कभी मान लो कि एक इंसान है और काफिर है, खुदा को नहीं मानता लेकिन सख्त दुख में पड़ा हुआ है, कभी आप उसकी भी मदद करते हैं तो ये चीज भी खुदा को बड़ी पसंद है। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सर्विस के लिए हर मजहब ने कहा हुआ है और नबी करीम तो बहुत इस बात के लिए जोर देते थे। मौलाना हज़रत इमाम ने इसके लिए कितने कितने इदारे रखे हैं। मुझे याद है और आप में से मालूम नहीं किसी ने सुना होगा, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने 1906 के अंदर 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग बनी और उसकी वजह से पाकिस्तान बना। और फिर 1911 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ एंग्लो अरेबिक कॉलेज था वो, उसको यूनिवर्सिटी में टर्न किया और उसके लिए मौला सारे हिंदुस्तान में मुसाफरी करके फंड इकट्ठा किया।
वो जमाने के अंदर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना कोई इजी नहीं था, लेकिन इमाम ने किया। और फिर इमाम ने अनाउंस किया कि मैं 25,000 रुपया हर साल, जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगी, हर साल 25,000 रुपया, 1911 में 25,000, आज 25 मिलियन के बराबर है, लेकिन इमाम ने अनाउंस किया। पैसे मिलते रहे। 1926 में पंडित मदन मोहन मालवीय, उसने बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी खोली उस पैटर्न के ऊपर के अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, इसने हिंदू यूनिवर्सिटी खोली, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। अब उसका फंड इकट्ठा करने के लिए ये हिंदुस्तान में घूमा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की तरह, जो कि इसके अंदर 15 बरस का डिफरेंस था। तो मौला यूरोप से इंडिया आए तो पंडित मदन मालवी साहब को मिलने आया। कहता है कि योर हाइनेस, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान मेरी दो आंखें हैं, सर फरमाया हाँ, क्या चाहिए? मौला को तो पता था। कहते मैंने बनारस में यूनिवर्सिटी बनाई है और मैं चाहता हूँ आप उसके अंदर कुछ रकम दो। मौला फरमाओ तुम बोलो। अभी उधर 25,000 साहब देते थे, तो इसने ये कहा कि 25,000 उधर देते हैं, इधर भी 25,000 दो। बाबा फरमाया 51,000, उससे डबल। तो बड़ा हैरान हुआ कि मुस्लिम खुद बनाई हुई यूनिवर्सिटी को 25,000 और हम को हिंदू यूनिवर्सिटी को 50,000, 51,000। फिर साहब उसको हंस के कहते हैं, जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी रहेगी मेरे पैसे मिलते रहेंगे। इमाम सुल्तान महमूद शाह की वफात हुई 1957 में। लॉर्ड्स, जहां इमाम सुल्तान महमूद शाह की विल पड़ी थी, उन्होंने जब ये विल डिक्लेयर की तो मौलाना हजरत इमाम इमामत की गादी पे आए कुछ टाइम के बाद। अब इमाम सुल्तान महमूद शाह की जितने भी ऐसे फिलंथ्रोपिक जो काम थे, यानी सखावतें थी, वो लॉर्ड्स बैंक उसको हैंडल करते थे। तो उन्होंने हजरत इमाम को पूछा इस ख्याल से कि सुल्तान महमूद शाह की जो सखावतें थी वो शायद ये बंद कर देवे, तो सुल्तान महमूद शाह की तमाम सखावतों को हजरत इमाम ने बहाल रखा, कैरी ऑन, जारी रखा। और आज भी बनारस यूनिवर्सिटी को मौला की तरफ से बख्शिश मिलती है और अलीगढ़ को भी बख्शिश मिलती है। कहने का मेरा मकसद ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि इमाम सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी, क्रिश्चियनों के अंदर भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें जानता हूँ और वक्त के हिसाब से कभी कभी जमातों को सुनाता भी हूँ। हमारा मौला सारी दुनिया का बादशाह है, लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह का नूर ये है। हम इस्माइली महज जानते हैं, मगर इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब दुनिया को पता लगेगा कि इसके सिवा और कोई नहीं है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मौला आपको आबाद रखे, सुखी रखे, दसवन बराबर दो, जमात खाने रोज आओ, इबादत करो, दुआ पढ़ो, अपने बच्चों को नेक हिदायत करो और मजहब सिखाओ। दिनों दुनिया की मौला बरकतें देवे। मौलाना हाजर इमाम आपको बख्शीशे देवे। मौलाना हाजर इमाम ने आमतें देवे, सेहत और तंदुरुस्ती देवे, जमीन आसमान की सब बलाएं दूर करे। मौला फरमान बरदार मोमन बनावे। मौलाना हाजर इमाम अपनी वफादारी में रखे, अपनी मीठी नजर में रखे, नेक उम्मीदें पूरी करे। सुखी आबाद रहो। अल्लाह।